नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर जालौन से आ रही है। पुलिस ने युवक को पीट पीट कर किया मरणासन्न। चोरी के शक में युवक को घर में घुसकर बेरहमी से पीटने का आरोप पुलिस पर लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस देर रात घर में जबरन घुसी और बेटे की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिसकर्मी बेटे को मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग निकले। बता दें कि बीती रात नगर में नई बस्ती रामचबूतरा मोहल्ले में कपड़ा व्यापारी रजा मोहम्मद के घर से करीब 1.5 लाख रूपये की चोरी हुई थी। इसी मामले में रात को पुलिस उसी मोहल्ले में रहने वाले बिजली मिस्त्री रफीक पुत्र शरीफ के घर पहुंची। परिजनों ने बताया कि जैसे ही दरवाजा खोला तो पुलिस घर के अंदर जबरन घुसाई व महिलाओं को धक्याते हुए घर में सो रहे रफीक को उठाकर पीटने लगी। बेटे की पिटाई करते हुए पुलिसकर्मी बार बार यही कह रहे थे कि चोरी का आरोप स्वीकार कर लो तो बच जाओगे। रफीक बार बार इनकार करता रहा। इस पर पुलिस वालों ने उसे पीट पीट कर मरणासन्न कर दिया। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ गए और जब लोगों ने पिटाई का विरोध किया तो पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घायल रफीक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। वहीं घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त है। इलाकाई लोगों का कहना है कि रफीक के घर घुसने वाले पुलिसकर्मियों में एक दरोगा और 3-4 सिपाही थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जालौन यूपी से विकी प्रजापति की रिपोर्ट। मारा भी है क्या? पुलिस जब मार रही थी तो हम लोग एकदम पहुंचे, तो जी रफीक भाई डले थे नीचे, उनके गला कस के मसोक दिया था। हाँ, तो इनकी सांस तक नहीं आ रही थी। तो फिर जब हम लोग पहुंचे तो देखा कि भीड़ आ गई है, तो जो पुलिस वाले एकदम भागे। कौन कह रहे हो, पहचानते पुलिस वालों को हम पहचाने? सामने आएंगे, पहचान जाएंगे। किस चीज से आए थे? जीप से आए थे। कितने लोग थे लगभग? 4 लोग। 4-5 लोग थे। क्या डंडे डंडे से मारपीट की? डंडे से मारा, गला दाब दिया था। पहले डंडे से मारा, फिर गला दाब दिया। घर में घुसे तो नहीं? घर में घुसे, घर में घुसे लेके आए थे। अम्मी कोई नहीं थी, लड़कियाँ थी, बहू थी, लड़कियाँ दरवाजा। क्या नाम है आपका? साबरीन। क्या मामला हुआ यहाँ पर? अभी यहाँ पर चोरी वाला मामला हुआ था। लला के यहाँ चोरी हुई थी, हमारे यहाँ गेट खुलवाया गया था। जबरदस्ती पुलिस वाले आ गए, भाई को पूछने लगे। तो पहले शरीफ को पूछा, तो शरीफ से उनका नाम पूछने के बाद मेरे रफीक को पूछा। फिर आजाद को लेकर चले गए, घर पे कोई था नहीं। और हम लोगों को फिर धक्का दिया, भाई को जब गला दबाया उन्होंने, तो उनका गला दबाने के बाद जब हम लोगों ने छुड़ाया तो हम लोग को धक्का दे दिया। लेडीज थी नहीं वहां पर, तो मतलब पुलिस वाले थे जेंट्स। तो छुड़वाने के बाद में उन्होंने मतलब अपनी बहनों को भी रख लिया मेरे। जब हम लोगों ने कहा उनको नहीं ले जाओगे, तो मतलब उन लोगों ने गाड़ी बढ़ा दी आगे, तो हम लोग आगे गाड़ी पे आ गए। फिर भी धक्का दे दिया उन्होंने। रोड पे लोग किसके साथ मारपीट की है? कोई नहीं थी। किसने मारपीट किसके साथ हुई है? बड़ी वाली बहन का, बड़ी बहन, बड़ी सपना को धक्का दिया है। और किसको मारा है? रफीक को गला दबाया। वो तो ऐसे छोड़ दिया, ऐसे मरने वाले थे। अगर से हम लोग नहीं जाते तो मर जाते। कितने लोगों को लेके गई है पुलिस? नहीं, 3 लोगों को। और कुछ बोल रहे थे क्या पुलिस वाले? हाँ, बहुत गालियां बक रहे थे और धक्का भी दे रहे थे, ढकेल भी रहे थे, तो बहुत कुछ कह रहे थे। वो तो ऐसे छोड़ गए, बिल्कुल मरा डला हो, अगर हम लोग नहीं होते तो। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर एक मामला आया है, क्या है पूरा मामला है? उसको मरीज को खांसी आ रही है और ये बता रहा है कि हाँ किसी ने गला दबाया है। अब अभी कोई स्पष्ट चिन्ह तो नहीं लग रहा है, लेकिन खांसी आ रही है उसको और उसके लिए इंजेक्शन वगैरह दे दिया गया है और फर्दर इलाज के लिए उसको जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। क्या नाम है इसका? ये मरीज का नाम है मोहम्मद रफीक। कहाँ से आए हैं ये? रामचंद्रपुरा।